बिजनौर के बढ़ापुर इलाके में खो नदी में दो चचेरे भाई डूब गए। आसपास के लोगों ने एक को बचा लिया जबकि दूसरे की डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे अपने दादा को खाना देकर घर लौट रहे थे। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गावरी गांव का है, जहां के रहने वाले शहजाद अपने चचेरे भाई अब्दुल अहद के साथ नदी के पास दादा को खाना देने गए थे। दादा को खाना देने के बाद दोनों खो नदी के पास पैदल जा रहे थे, तभी दोनों का पैर फिसलने से नदी में बने गहरे गड्ढे में बच्चे डूब गए। शोर सुनकर पास में मछली पकड़ रहे युवक मौके की ओर दौड़े। युवकों ने अब्दुल अहद को तो नदी से सकुशल बचा लिया, लेकिन शहजाद गहरे पानी में चला गया। काफी मशक्कत के बाद उसे भी बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बच्चे की मौत की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। खनन के दौरान नदी में गहरे गड्ढे होने से गहरे कुंड बन गए हैं। उसी कुंड में बच्चे की डूबकर मौत हुई है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। की मौत हुई है खोड नदी में डूबने से, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है, जो इनका 12 बीघे का जो पट्टा हुआ है वो ऊपर हुआ है कुंड के पास में, और यहाँ इन्होंने कम से कम 100 बीघे के करीब नीचे अवैध खनन कर रखा है। इसमें गड्ढे हुए हैं बहुत, कम से कम 20-25 फीट गड्ढे हुए हैं। इसमें बच्चा डूब के मर गया है। पीछे भी 8 दिन पहले एक बैल डूब के मरा था, पिछले साल एक लड़का डूब के मरा था, अब ये लड़का डूब के मर गया। तो अभी तक आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह के अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं? अवैध खनन का ये खनन माफिया है ऊपर, ये जो ठेकेदार लोग हैं इस टाइम यहाँ ढाके साहब हैं। पिछली बार यहाँ वो समीम ठेकेदार थे, उनकी उसमें एक लड़का डूब के मरा था, अभी ढाके साहब हैं, कयास हो गए यहाँ पे। तो क्या गांव वालों ने इसकी कभी शिकायत की है? शिकायत की है, लोग आवाज उठाते हैं, आवाज दबा देते हैं, ये कहीं तक भी सुनवाई नहीं होती। सब लोग उन्हें कहते हैं जो तुम अभी पीछे ये कहा है, अरे तुमने अपना आप डूबा को मारा, कोई अब लड़का अपना आप डूबा को मार देगा अपना? कितने साल का बच्चा था ये? 7-8 साल का लड़का था। चलो 8 इतनी।